हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, लखनऊ की रत्ना में आपका स्वागत है। तो गाइस, आप सब कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइस, आज फिर वही आपकी रत्ना आपके सामने हाजिर है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में, और बने रहिए ब्लॉग में, और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो गाइस, इस समय बज रहा है सुबह का 9। इस समय लाइट नहीं आ रही थी हम लोगों के यहाँ, तो वही आप लोग देख सकते हैं। मैं इस समय बना रही हूँ नाश्ता और रोटी। रोटी भी मैं गाइस इस समय थोड़ी सी बनती है, तो मैं सेक के रख देती हूँ, उसके बाद नाश्ता बना लेती हूँ। तो वही बन रहा है मेरा नाश्ता। लाइट देखिए आ गई है। गाइज, आप लोग देख सकते हैं, इस समय मैं आई हुई हूँ पार्लर में। ये पार्लर मेरे घर के जस्ट बगल में है, गली से निकलते ही। तो एक्चुअली थोड़ा सा मुझे हेयर कट अपना हल्का सा करवाना था, बाल मेरे बहुत ख़राब हो रहे थे, तो वही मैं आई हुई हूँ। तो गाइज, अभी तक आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, हम पति पत्नी बहुत प्यार से मिलते थे, एक दूसरे को मोमोज खिलाते थे। लेकिन आज हम लोगों के बीच में हो गई है लड़ाई। अभी आप लोग लड़ाई देखोगे, चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चाय पी लो, उठो। अभी तक तुमने अपना बहुत अच्छा रूप सबको दिखाया था, चलो उठोगे? चाय बनी रखी, उठ जाओ। गाइस, अभी ये बहुत गुस्सा है, उठेंगे नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, यहाँ आ गई हमारी चाय। शाम का समय है, 5 बजे का, पी लेते हम लोग अपनी चाय। चलो पतिदेव, आओ चाय पियो आके। गाइस, आज हमारे पतिदेव हमसे बहुत गुस्सा है, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए, चाय बहुत देर से रखी हुई है। चलो आप पियो आके। चलो, हम इनको सुबह से मना रहे हैं कि हम मान जाओ, उठो। उठल दी, हाँ उठो। चलो अच्छा उठो, चाय ठंडी हो जाएगी, उठ जाओ। चलो उठ जाओ, चलो 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 उठो उठो। तो गाइस, आप लोगों ने देखा, मैं गई हुई थी पार्लर और मैंने अपना करवाया हेयर कट। बताइएगा गाइस कैसा लग रहा है। एक्चुअली गाइस, मेरे बाल ना बहुत हो गए थे बड़े बड़े, तो मैं मतलब कंघी नहीं कर पाती थी। मेरे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो मेरे ना अंदर से बालों में से गांठे गांठे सी पड़ जाती थी। तो वही गाइज, आज मैंने अपना करवा लिया हेयर कट, और आप लोग भी बताइए कैसा हुआ है मेरा हेयर कट। तो गाइज, आज बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं टहलने के लिए, और यहाँ आए तन्मय। तन्मय संगीता दी का बेटा है, और वही हम लोग आज बहुत दिन में निकले टहलने के लिए। 2-3 दिन से हम लोग जा नहीं पा रहे थे। संगीता दी हाय करो। हाय। तो ये हुआ, चलो आज थोड़ा टहल लेते हैं, थोड़ा मौज मस्ती हो जाती है। घर में तो घुसे घुसे ऐसी जी उब जाता है बिल्कुल। गाइस, यहाँ पे अच्छा अपनी बुक्स लेके आ चुके हैं, और आज दुकान नहीं मिली थी क्या जल्दी? कहाँ मिली फिर? वहाँ पे सुनीता ड्रेसेस के आगे थोड़ा। अच्छा चलो, मिल गई सारी किताबें, चलो ठीक है। तो गाइस, इस समय बच्चों का न्यू सेशन शुरू हो गया है, और कल से बच्चों के सभी स्कूल हैं। अभी तक हम लोगों ने खूब मौज मस्ती की, 8-8 बजे तक सोए खूब। और गाइस, अब वही कल से फिर रूटीन, 5 बजे से उठो, लंच बनाओ, बच्चों को तैयार करो, स्कूल भेजो, फिर वही से सबकी लाइफ शुरू हो गई है।
तो अभी अच्छा गया हुआ था, अपनी बुक्स वुक्स लेके आया है। बिट्टू कल अपनी बुक्स ले आई थी सब। देखिए गाइस, अक्षत का ये आ गया है स्कूल का पैटर्न, ढेर सारी किताबें। कितने की मिला? अरे भैया पूछो ना। तो कितने का पैकेट? कार्ड लो, जिंदगी नहीं चल सकती। बहुत महंगा मिला है ना? इनके एड्रेस नहीं बताते, ढूंढ रहे थे। अच्छा, फिर वो तो कहो कि इनकी किस्मत तेज थी कि मैं वही गाड़ी रोक के कुछ करने के लिए रुका तो सामने दुकान थी। कितने का मिला है इनका पैकेज? इनका 4,000। 4,000 तो उसका नाइन्थ का है ना दरअसल। अरे तो भी इतना महंगा खरीद होता। तो गाइस अब भाई देखिए, बच्चों के सेशन शुरू हो गए हैं, सबकी कॉपी किताबें बुक्स खरीदो, सब में कवर चढ़ाओ, सबकी फीसें जमा करो। बस पूछे ना गाइस, खर्चा खर्चा खर्चा, मतलब इतना खर्चा है कि वो तो जितने मिडिल क्लास हैं वो सभी जानते हैं। सब सबकी यही वो चल रही है, सब जितने भी पेरेंट्स हैं सबके ऊपर एकदम से बर्डन आ गया है। तुम इधर से खोल दो। हाँ, ऐसी चार बुकें मिली हैं। बाप रे। तो गाइस ये देखिए, बिट्टू की बुक्स दिखाओ जरा। बिट्टू अपनी बुक से ये देखिए कितनी मोटी मोटी बुक्स आई है, और बिट्टू बहुत परेशान है। गाइस मैं परेशान नहीं हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने नाइन्थ में इकोनॉमिक्स ली है और मेरी मैथ छूट गई है, तो जिसमें मैं बहुत ही बेकार थी बस वो छूट गई। तो गाइस इसने मैथ छोड़ दी है, मैथ की जगह इसने इकोनॉमिक्स ले ली है। और इकोनॉमिक्स तो मैं रख लूंगी। रट नहीं लेंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। इतनी तो मैथ आती है, लेकिन जो मैथ की इतनी मोटी बुक मिलती थी वो अब कोई मिलने नहीं रही है। बस इनको ये था गाइस कि इनकी मैथ छूट जाए, क्योंकि ये मैथ की वजह से इतना परेशान रहती थी कि मम्मी मुझे ना इतनी मैथ आती नहीं है, प्लीज मेरी मैथ छोड़ जाए। तो अब ये नाइन्थ में आ गई, तो इन्होंने मैथ छोड़ के मैथ की जगह इकोनॉमिक्स ले ली है। तो चलिए गाइस, जिसमें बच्चों को सेटिस्फेक्शन हो, जो खुद से वो पढ़ सके। मैं इन लोगों पे इतना ज़्यादा वो नहीं बर्डन नहीं कहती कि नहीं तुम्हें मैथ लेना ही है। जो बच्चे चला सके, जो इन लोगों का इंटरेस्ट हो, मैं वही चीज़ इन लोगों को दिलवाती हूँ। तो चलिए गाइस बना लेते हैं खाना। खाना बना के रख देती हूँ, फिर इन लोगों की कॉपी किताबों में कवर चढ़ा दूंगी, क्योंकि दोनों के में तुम ऐसा करो बिट्टू, अपने में चढ़ा लो, अक्षय तुम्हारे में मैं चढ़ा दूंगी, ठीक है? तुरंत नहीं चढ़ा पाएंगे भाई, मेरा स्कूल है। नहीं तो अभी हम जा रहे खाना बनाने, भी खाना बना के आएंगे। चढ़ा दी खाना बना, तो फिर भी तुम चढ़ा दोगी, तुम चढ़ा देना, हम जा रहे हैं खाना बना के रख दें। तो चलिए गाइस मिलते फिर आपसे किचन में। देखिए मैं दिखा, अरे कितना प्यारा है, एकदम ऐसा लग रहा असली का बिल्कुल। ऐसे दूर से दिखाओ गाइस को, दिखाओ। वाओ, ये देखिए गाइस, ये देखिए अच्छा लेके आया टॉमी, कितना प्यारा है ना, छोटा सा। बोलो गाइस, यहाँ देखिए कोई नंगा खड़ा है। जाओ अच्छा कपड़े पहनो जाके, जाओ चलो चीटा प्रसाद ना, यहाँ से पैक जाओ कपड़े पहनो जा करके। पागल, बड़ा बॉडी दिखा रहे हैं, बड़ा तुम्हारे शरीर में मास है ना। तो गाइस मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ किताबों में कवर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और गाइस चढ़ा चढ़ा के हालत खस्ता हो गई, और टाइम दिखा दो, रात में 11 बज रहा है। तो गाइस अब ये किताबों में कवर चढ़ा लेते हैं, उसके बाद सोना भी, और सुबह फिर 5 बजे जल्दी उठना भी है क्योंकि बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं। अब या तो तुम ये डॉगी दिखा लो, या तो मैं बात कर लूं। तो आई होप गाइज आप लोगों ने आज मेरा व्लॉग देखा होगा, काफी पसंद का। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे मेहमान, दिखाओ जरा बिट्टू, ये देखिए गाइज। वाह रे बिट्टू, ऐसे फेंका जाता है, ये देखिए अच्छा लग रहा है डॉगी। ये बिट्टू का नया डॉगी, ये बड़ा है, और छोटा वाला कहाँ है, और दिखाओ, और ये देखिए, ये दिखाना शेरू, और ये देखिए अच्छे लग रहे हैं ना छोटे छोटे से वो दिखा। तो गाइस हम लोगों के बीच में हो गई थी लड़ाई, तो अब मान गए हैं, हम दोनों लोगों ने एक दूसरे को सॉरी बोल दिया है, और ये भी मान गए हैं, मैं तो पहले से ही मानी हुई थी, इनको मना रही थी, मान गए ना तुम, कहो हाँ।
तो गाइस जो आदमी आपको बहुत सीधा दिखता हो ना, जरूरी नहीं कि वो बहुत सीधा हो, वो बहुत टेढ़ा भी होता है। आप लोगों ने गुस्सा देखा ना वीडियो में, तो सब गाइस को बोलो कि हाँ मान गए। बोलो जल्दी से। नहीं नहीं हम मान गए, मान गए। हमारा वीडियो मत दिखाओ। नहीं नहीं गाइस अब मान गए, तब ये बहुत गुस्सा थे। एक्चुअली हमारे इनके बीच थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, तो मैंने ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट किया। मैंने कहा फिर कुछ ज़्यादा ही आप लोगों के सामने दिखा दो, फिर आप लोग भी टेंशन में आ जाओ क्या क्या हो रहा है। तो गाइस आज आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो गाइज मिलते हैं आपसे अपने फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये तो लड़ाई दंगा ये तो सब चलता ही रहता है, हर पति पत्नी के बीच में, सबके बीच में होता रहता है। और तो चलिए गाइज मिलते हैं फिर आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।